मोहाली में फिजा के घर से करीब 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद, पुलिस को घर की तलाशी में मिला कैश। फिजा के घर से मिली 1.5 किलो ज्वेलरी, कई बैंक और लॉकर्स के कागजात भी हुए बरामद। एसएसपी मोहाली ने कहा, कैश और ज्वेलरी की बरामदगी से संकेत मिलता है कि फिजा की हत्या नहीं हुई। मौत से पहले वकील अजीत हुड्डा के साथ रेस्टोरेंट में गई थी फिजा। 1 अगस्त को शाम 5:43 पर रेस्टोरेंट में प्रवेश किया था फिजा ने। 1 घंटे बाद रेस्टोरेंट से निकली थी फिजा। सीसीटीवी फुटेज में फिजा ने वही कपड़े पहने हैं जो मौत के वक्त फिजा के शरीर पर थे। गोपाल कांडा की अग्रिम जमानत याचिका रद्द, गीतिका खुदकुशी मामले में मुख्य आरोपी है कांडा। गीतिका मामले में एमडीएलआर की एचआर हेड अरुणा चड्ढा अदालत में पेश, पुलिस को मिली 2 दिन की रिमांड। गीतिका केस के मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को तलाशने में जुटी दिल्ली पुलिस, अब तक फरार है कांडा। सिरसा में कांडा समर्थकों ने किया हंगामा, दुकानें बंद कराई, सिरसा से निर्दलीय विधायक है कांडा। एमडीएलआर मैनेजमेंट ने लिखा था एमिरेट्स एयरलाइंस को पत्र, गीतिका पर लगाया था धोखाधड़ी का आरोप, सूत्रों के हवाले से खबर। कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव का 3 दिनों का सांकेतिक अनशन, 3 दिनों बाद अगली रणनीति का ऐलान। भ्रष्टाचार कालेधन के खिलाफ रामदेव का हल्ला बोल, रामलीला मैदान से गरजे योग गुरु, कहा जनता हक मांगती है भीख नहीं। रामदेव ने छीना अन्ना से भ्रष्टाचार का मुद्दा, कहा संसद के इसी सत्र में पास हो मजबूत लोकपाल बिल, बाद में हो जरूरी संशोधन। भ्रष्टाचार मिटाने का बाबा ने दिया फॉर्मूला, सीबीआई को स्वायत्त, पक्ष विपक्ष और जज मिलकर चुने निदेशक। बाबा रामदेव का रामलीला के मंच से ऐलान, किसी को बदनाम नहीं, देश का काम करने आया। रामदेव ने कहा सोनिया राहुल को आमंत्रित करने को तैयार, लोकपाल बिल पास हुआ तो सोनिया राहुल को मिलेगा श्रेय। रामदेव ने अपने मंच से की इंदिरा गांधी की तारीफ, कहा इंदिरा की वजह से देशवासियों को मिला गर्व करने का मौका। रामदेव ने सरकार से बातचीत के खोले दरवाजे, कहा मैं देश हित में हर तरह के समझौते के लिए हूं तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार रामदेव और उनके समर्थकों से उलझना नहीं चाहती, फिलहाल आंदोलन की अनदेखी करेगी सरकार। रामदेव ने कहा पवन बंसल दूर से क्यों बात कर रहे हैं, पंडाल उनके स्वागत के लिए है तैयार, मॉनसून सत्र में पास हो लोकपाल। बाबा रामदेव के समर्थन के लिए रामलीला मैदान पहुंचे मनोज तिवारी, जंतर मंतर पर अन्ना के अनशन पर नहीं गए थे मनोज तिवारी। रामदेव के मंच पर इफ्तारबाजी, रोजा खोलने पहुंचे कई रोजदार। रामलीला मैदान पहुंचने से पहले बाबा रामदेव पहुंचे राजघाट, शहीद पार्क में दी श्रद्धांजलि, इंकलाब जिंदाबाद का लगाया नारा। भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए बाबा रामदेव ने शुरू किया अपना आंदोलन, महात्मा गांधी से लिया आशीर्वाद। अमर शहीदों के साथ बाले कृष्ण की तस्वीर ने किया सबको हैरान, आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद हटा पोस्टर, रामदेव ने मांगी माफी। रामलीला मैदान में जुटी हजारों की भीड़, रामदेव के आंदोलन के पहले दिन दिखा जबरदस्त माहौल। आंदोलन में आए समर्थकों के लिए बना स्वादिष्ट भोजन, पूरी हलवे के लिए लंबी लाइन। अलग अलग भेष में रामलीला मैदान पहुंचे समर्थक, कोई चंद्रशेखर आजाद की तरह तो कोई रामदेव के वेश में पहुंचा। आंदोलन को सफल बनाने के लिए लिया जा रहा है चंदा, बाकायदा डोनेशन कैंप लगाया गया। पहले दिन ही आई ऑडियो सिस्टम में खराबी, लेकिन शांत बैठे रहे बाबा के समर्थक, मैदान से धरा गया मोबाइल चोर। बाबा रामदेव पर कांग्रेस और सरकार के नरम गरम सुर, हरीश रावत बोले हम बातचीत को तैयार। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल बोले लोकपाल हमारी लिस्ट में, सिलेक्ट कमेटी से आते ही कराएंगे पास। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बाबा पर वार, बोले देश से कोई मतलब नहीं, कर रहे हैं अपना महिमा मंडल। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने उड़ाया रामदेव के आंदोलन का माहौल, कहा रामलीला मैदान में हर साल होती है रामलीला।
लोक दल सांसद जयंत चौधरी ने किया रामदेव का समर्थन, कहा कानूनी और संवैधानिक रास्तों से वापस लाई जाए ब्लैक मनी। राज्यसभा में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने की जया बच्चन पर टिप्पणी, बयान के बाद जमकर मचा बवाल। असम हिंसा पर जवाब दे रहे थे सुशील कुमार शिंदे, टोकते पर शिंदे ने जया बच्चन की फिल्म बैकग्राउंड पर उठाया सवाल। शिंदे की टिप्पणी पर अरुण जेटली ने की निंदा, शब्द वापस लेने की मांग की, जया बच्चन ने भी दर्ज कराई आपत्ति। हंगामे के बाद शिंदे ने राज्यसभा में कहे शब्द लिए वापस, जया बच्चन को बताया छोटी बहन। लोकसभा में उठा अमेरिका में हुए गुरुद्वारे पर हमले का मामला, अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने उठाया मामला। सुषमा स्वराज ने भी मांगा सरकार से जवाब, पवन बंसल ने कहा पीएम ने की है ओबामा से बात। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा कई लोग बेवजह सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ रहे हैं। एनडीए के प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने पर बोले यशवंत सिन्हा, कहा एनडीए को अभी नहीं है कोई जल्दी, सही वक्त पर होगा ऐलान। शीला दीक्षित ने की योजना आयोग के उपाध्यक्ष मुंटेक सिंह अहलूवालिया से मुलाकात, 90,000 करोड़ की मांग। दिल्ली को अगले साल के बजट में 16,000 करोड़ की मिली मंजूरी, योजना आयोग ने सोशल सेक्टर के विकास के लिए दिए पैसे। मुंबई के वडाला के एक फ्लैट में मिली एक महिला वकील की लाश, गला काट कर की गई हत्या। 2 साल से बॉयफ्रेंड अविक के साथ रहती थी पल्लवी, लूटपाट के बाद मर्डर का शक, आईएएस अधिकारी की बेटी है पल्लवी। सुबह बॉयफ्रेंड के आने के बाद हुआ वारदात का खुलासा, पुलिस कर रही है अविक से पूछताछ। लखनऊ में अदालत परिसर में बरामद हुई संदिग्ध वस्तु, पुलिस को बम होने का शक। चेन्नई में मेट्रो निर्माण में लगी क्रेन बूम के फेल होने से हादसा, 1 की मौत 6 घायल 2 गिरफ्तार। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके नौकर की जमानत याचिका को किया विरोध, कहा सबूतों से कर सकती है छेड़छाड़। सीबीआई ने जमानत मिलने पर नौकर के फरार होने की जताई आशंका, गवाहों को कर सकती है प्रभावित। सीबीआई ने कहा निचली अदालत में अहम मोड़ पर है आरुषि हेमराज मर्डर केस की सुनवाई, कई गवाहों को किया जाना है पेश। नौकर तलवार ने पति की जमानत को आधार बनाकर मांगी बेल, राजेश तलवार की जमानत का मामला हाईकोर्ट में लंबित। सीबीआई ने अदालत के सामने मानी हेमराज की फर्जी मेल आईडी बनाने की बात, कहा खास मकसद से बनाई थी आईडी। असम हिंसा की सीबीआई जांच शुरू, स्पेशल डायरेक्टर की अगुवाई में सीबीआई की टीम शुरुआत में दंगा प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा। असम में अब भी सामने आ रही है हिंसा की छिटपुट घटनाएं, दंगों में 74 लोगों की गई जान। मुंबई के तार देश में एवरेस्ट बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां पहुंची मौके पर। आग लगने के बाद लोगों को बाहर निकाला गया, फायर ब्रिगेड के अनुसार इमारत में कोई शख्स नहीं है फंसा हुआ। पटना में एयरपोर्ट पर 16 अगस्त से बड़े विमानों की आवाजाही पर रोक न लगाने की मांग, सीपी ठाकुर ने पीएम से 3 महीने की मांगी मोहलत। अबू जिंदाल और कसाब का होगा आमना सामना, पुलिस को सरकार से मिल गई मंजूरी। एनआईए ने समझौता ब्लास्ट केस में अतिरिक्त चार्जशीट की दाखिल, चार्जशीट में 2 लोगों के नाम। जम्मू के सांबा में जवानों और अधिकारियों के विवाद के बारे में रक्षा मंत्री ने की सेनाध्यक्ष से बात, एंटनी ने विक्रम सिंह से मांगी रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय और डीआईपीपी से डेटोनेटर्स पर बारकोडिंग की मांग की, आतंकवादी को पता लगाने में होगी इससे आसानी। भारत दुनिया में डेटोनेटर्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, बारकोडिंग से बढ़ जाएगी 4 गुना कीमत, एक्सपोर्ट को लग सकता है झटका। कश्मीर घाटी के निगिन झील में हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप, मछलियों की मौत की वजहों का खुलासा नहीं। गर्मी या जहरीले पानी से मछलियों की मौत का शक, लोगों ने मछली खाना किया बंद, मुश्किल में मछुआरे। नुपुर तलवार मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, नुपुर की जमानत का विरोध। आईओसी चेयरमैन ने कहा रुपए की कमजोरी से पेट्रोल डीजल की बिक्री पर नुकसान, पेट्रोल पर तेल कंपनियों को 1 रुपए 37 पैसे का घाटा।
2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए सरकार ने मांगा नवंबर तक का वक्त, सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी। आम लोगों के लिए खोला गया यमुना एक्सप्रेसवे, 2 घंटे से भी कम में तय होगी 165 किलोमीटर की दूरी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ उद्घाटन। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा बेहद महंगा, 2-व्हीलर और 4-व्हीलर के लिए लगेंगे 150 से 320 रुपए तक के टोल टैक्स। 24 घंटे में वापस आने वाले वाहनों को मिलेगी रियायत, महीने में 20 बार सफर करने वालों को भी मिलेगी छूट। सीसीटीवी वीडियो और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम से लैस होगा एक्सप्रेसवे, मौसम की भी मिलेगी जानकारी। मारुति के मानेसर प्लांट में हिंसा में नक्सली हाथ होने की आशंका की थ्योरी खारिज, आईबी की जांच में खुलासा। भारत ने किया अग्निकुल मिसाइल का सफल परीक्षण, 2000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है परमाणु मिसाइल। वोडाफोन टैक्स मामले में उचित कार्यवाही करेगी सरकार, राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री ने दी जानकारी। नोकिया ने आशा रेंज में 2 अफोर्डेबल स्मार्टफोन के लॉन्च, 5,000 से 7,000 रूपये रखे दाम। आधुनिक खूबियों से लैस है नोकिया के सस्ते स्मार्टफोन्स, 5 MP कैमरे वाले टच स्क्रीन फोन में नहीं लगेंगे स्क्रैचेस। त्योहारों के दौरान डिमांड के चलते सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी, 1 तोले सोने का भाव हुआ 30,200 रुपए। खुले बाजार में सरकार के 4 लाख टन चीनी उतारते ही चीनी की कीमतों में आई नरमी, 10 से 20 रुपए घटे 100 किलो चीनी के दाम। औद्योगिक उत्पादन के विकास दर के आंकड़ों ने फिर किया निराश, आईआईपी की विकास दर में आई गिरावट। जुलाई में कारों की बिक्री में हुई 7% की बढ़ोतरी, डीजल कारों की मांग ने किया बिक्री में इजाफा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 39 अंक गवाकर 17,560 पर बंद, निफ्टी भी 15 पॉइंट हुआ कमजोर। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में उमड़ी भक्तों की भीड़, मंदिर की सुरक्षा के इंतजाम और किए गए पुख्ता। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर पर तैनात किए गए कमांडो, सीसीटीवी से हो रही है निगरानी। दिल्ली के एस्कॉन टेम्पल में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिर में की गई विशेष तैयारियां। जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण बनने की भी होड़, 1500 रुपए में सज रहे हैं धोती और कान्हा। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइस भी, कई बसों के रूट बदले गए, मंदिरों की सुरक्षा की गई पुख्ता। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान गीता फोगाट पहले मुकाबले में हारी, कनाडा की पहलवान से 1 के मुकाबले 2 अंकों से हारी। इंडोनेशिया महिलाओं के 800 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंची, हीट ने 3rd नंबर पर रहकर किया क्वालिफाई। रूस मुक्केबाजी के 49 किलोग्राम वर्ग में देवेंद्रो हारे, क्वार्टर फाइनल में आयरलैंड के मुक्केबाज बॉन्स ने हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं आयरिश मुक्केबाज बॉन्स, देवेंद्रो 18-23 से हारे मुकाबला। देवेंद्रो जी आपका बोले माता पिता, जहां बेटे की क्या शानदार प्रदर्शन, इस उम्र में क्वार्टर फाइनल में पहुंचना ही बड़ी कामयाबी। चिली की राजधानी सैंटियागो में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी छात्र, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की मांग। सीरिया के शहर दारा में एक नेता के अंतिम संस्कार के दौरान विस्फोट, कई लोगों के मरने की आशंका। लंदन में न्यूजीलैंड फैन हाउस में अचानक लगी आग, गैस बोतलों में विस्फोट के बाद लगी आग, एक शेफ ने लोगों को बचाया। जॉर्जिया में राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाया गया, 4 साल पहले ओडेविया शहर को लेकर रूस में लड़ाई में मारे गए फौजियों को श्रद्धांजलि। अमेरिका के कोलोराडो शहर में मिठाई की दुकान में घुसा भालू, चॉकलेट और तमाम दूसरी चीजें लेकर हुआ रफू चक्कर।